ड्रग मामले के बीच फिलहाल आर्यन खान ना जेल का खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें जेल में टॉयलेट ना जाना पड़े। खबर ये भी सामने आई है, आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन सिर्फ पार्ले जी बिस्कुट खाकर अपना पेट भर रहे हैं। आज का दिन शाहरुख खान उनके परिवार के लिए बेहद खास है। आर्यन खान मामले पर कुछ ही घंटों में कोर्ट में सुनवाई होगी। आर्यन और सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। इसको लेकर जो ताज़ा जानकारियां सामने आई हैं, चलिए आपको बताते हैं। आर्यन खान समेत 5 आरोपियों को क्वारंटीन बैरक से निकालकर कॉमन सेल में भेज दिया गया है। आर्थर रोड जेल के सुप्रीटेंडेंट नितिन वाइचल ने बताया कि आर्यन और बाकी आरोपियों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद उन्हें कॉमन सेल में भेज दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ ही घंटों में एएसजी अनिल सिंह, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुन्मुन धनेजा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे। कांग्रेस नेता नवाब मलिक, जो शुरुआत से ही आर्यन ड्रग मामले में कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने मीडिया से दोबारा बातचीत करने का फैसला किया है। पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी नेता पर इसे लेकर निशाना साधा था। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान कोर्ट के लिए रवाना हो चुकी हैं। इस मामले में आपको बता दें, बॉलीवुड के तमाम सितारे आर्यन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं बीते कल भी जिस तरीके से इस मामले पर कोई फैसला नहीं आया, शाहरुख की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस मामले में राहत ना तो शाहरुख खान को मिल रही है, ना ही उनके बेटे आर्यन को। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।